सो फ्रॉम द एमएससी बेलिसिमा और हमारी चैनल एसीटी ऑलवेज करी थेपला। बट वन थिंग विच आई मस्ट टेल यू, बेलिसिमा में आपको थेपला करी करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड फूड फॉर द वेजिटेरियन ऑल्सो। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ डेडिकेटेड वेजिटेरियन काउंटर एट मार्केट प्लेस विच इज ऑन 15th टैग बुफे, जो करीब करीब 20 घंटा आपको खाने को सर्व करता है और आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। क्योंकि कल हमारा पहला दिन था, हमारा जो डेडिकेटेड रेस्टोरेंट था फॉर द डिनर लाइट हाउस, तो कल हमारे लिए ऑप्शंस बहुत कम थे क्योंकि हम पहला दिन था, हमने उनको कन्वे नहीं किया था या कन्वे नहीं हुआ था। सो जब हमारा कल जब हमारी जो सर्वर थी उससे जब हमने बात किया कि कैन दे अरेंज फॉर अस वेजिटेरियन फूड, और उन्होंने बोला कि सर जरूर से, तो आज हम जाएंगे और देखेंगे कि आज हमारे लिए वेज ऑप्शन है। बाकी क्रूज़ बहुत शाइनिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, हाँ ये बात ज़रूर है कि यदि आपने पिछली कोई भी क्रूज़ की होंगी लाइक कार्निवल या रॉयल कैरेबियन और कोई और भी स्टार क्रूज बहुत पुराने जो स्टारबोर्ड गोलिब्रा जो चलते थे सिंगापुर में, ये क्रूज आपको डिफरेंट एटमॉस्फेयर देगा, बहुत कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि ये आपको एक बहुत लाइक ट्रेडिशन से हट के देता है। शायद कई लोगों को पसंद आए, कई लोगों को लगे कि नहीं ये तो जस्ट लाइक एज अ मॉल वी आर वॉकिंग इन, क्या कुछ नया नहीं आ रहा है। तो बात आपकी सही होगी क्योंकि मुझे खुद को भी बोलते ना एक आत्मा सी मिसिंग हो रही थी जो आपको क्रूज में जो आपको एक वाइब मिलती है। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि ये इटालियन क्रूज है और इसका सेटअप मुझे अमेरिकन क्रूज या फारेस्ट के जो क्रूज है उससे अलग लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा हैपनिंग मैंने देखा नहीं जो डेक नंबर 15 और जो ओपन एरिया है। हो सकता है शायद इसका एक रीज़न हो कि वेदर बड़ा ख़राब था 2 दिन से, दुबई में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। और यदि मैं इसको कोरिलेट करूँ कि रनवे पे पानी भर गया था और एयरपोर्ट में 6-6 घंटे लोग फ्लाइट में बैठे रहे थे, तो या द वेदर वॉज एक्सट्रीम, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कहीं ऐसा वाइब नज़र नहीं आया जैसा कि आप ऑलवेज देखते हैं कि आपको जो ओपन डेक होता है उसमें काफ़ी पब्लिक होती है, काफ़ी काफ़ी शोर गुल्ला हल्ला, बच्चे कूद रहे हैं नाच रहे हैं, वो सब कुछ मुझे बहुत मिसिंग लगा। सो अदरवाइज क्रूज इज वेरी कंफर्टेबल, स्टाफ इज गुड, आपको काफ़ी इंडियन स्टाफ मिलेगा, काफ़ी लोग हैं जो मुझे गोवा से मिले यहाँ पे जो क्रूज के लिए काम कर रहे हैं। और तो मुझे ऐसा कुछ इशू अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ एक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आत्मा होती है जो आप किसी भी जगह पे इसको सर्च करते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस तरह से मिलना चाहिए, क्रूज में ये होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको तो जैसे कि आप, मैं आपको सिंपल बताऊं कि आप बाकी क्रूज में जाते हैं तो आपकी स्टेयर केस होती हैं वो फुल्ली कवर्ड होती हैं, यहाँ पे पैडल्स कवर नहीं है, मीन्स फुल्ली कारपेटेड होती हैं। सामने की तरफ आपको अच्छी सी बहुत खूबसूरत पेंटिंग नज़र आती है, यहाँ पे ग्लासेस हैं, जो इसका लॉबी एरिया है वो बाकी क्रूज में काफ़ी काफ़ी हैपनिंग वाला रहता है। यहाँ पे हमेशा लगता है कि लोग या तो जा रहे हैं या आ रहे हैं, सो इम्बार्केशन डिसम्बार्केशन में ही लोग वहाँ पे बिजी रहते हैं, उनके काउंटर्स हमेशा भरे हुए रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसकी वो जो क्रूज की जो आत्मा है वो शायद मिसिंग है। बट एनीवे आज तो दूसरा दिन है, 7 दिन का क्रूज है, 8 दिन का क्रूज है, 7 नाइट का क्रूज है, बात तो उसी रात होगी। सो देखते हैं, दोहा जाएंगे, मिलेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग के साथ में। सो बने रहिए एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे और बाय।